चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हम कैसे खोए हुए फ़ोन को लोकेट करते हैं, किसी भी फ़ोन को हम किसी भी फ़ोन की लोकेशन कैसे ट्रैक करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमको ये सब करने के लिए एक ऐप्स डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी एक ऐप्स डाउनलोड करता हूँ, उसमें ऐप्स का नाम है फाइंड माई डिवाइस। फाइंड माई डिवाइस जो सबसे ऊपर आ रहा है, ये ऐप्स मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसीलिए मुझे इसकी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको डायरेक्ट ओपन करूँगा। तो देखिए, जैसे आके इसमें मेरी आईडी पहले से रजिस्टर्ड है, इसीलिए वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर ली है। और ये देखिए, ये मेरा फ़ोन का खुद का ही लोकेशन ट्रैक करके बता रहा है। पीके मोबाइल 87% बैटरी भी शो करा रहा है। और ये देखिए, प्रताप नगर लोकेशन शो करा रहा है। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद हमें कुछ दो काम महत्वपूर्ण करने पड़ेंगे। उसमें ये कि एक तो हमेशा इसकी लोकेशन ऑन करनी रही, और दूसरा इसमें नेट ओपन रहेगा। अगर ये दोनों चीज़ आपकी ओपन है, आप तभी इसको ट्रैक कर पाओगे। तो जैसे कि ये मेरा फ़ोन है, इसमें मेरा आईडी ओपन है। मेरा आईडी जैसे कौन सा ओपन है, इसमें जी ट्रिक्स विद पीके के नाम से इसमें ओपन है। इसमें हमें जीमेल आईडी हमेशा ओपन करके रखनी पड़ेगी। एक बार रजिस्टर कर दो, वो ऑटोमेटिकली हमेशा के लिए रही, जब तक कोई दूसरी आईडी नहीं कर देते। जैसे मेरा इसमें ऑलरेडी मेल आईडी रजिस्टर है, इजी ट्रिक्स विद पी के। तो सपोज़ दैट ये मेरा अगर मोबाइल गुम हो जाता है और मेरा इसमें नेट ऑन है और लोकेशन ऑन है, तो मैं इजीली किसी दूसरे मोबाइल से इसको ट्रैक कर सकता हूँ। तो दूसरे मोबाइल से हम इसको कैसे ट्रैक करेंगे? जैसे मेरे पास अभी एक और मोबाइल है, ये मेरे पास मोबाइल है, अभी मैं इस मोबाइल से अपने मोबाइल को ट्रैक करूँगा। जैसे मैंने इसका ये खोला, इसमें भी वो ऐप्स इंस्टॉल ऑलरेडी होना चाहिए। तो जैसा कि इसमें ये फाइंड माई डिवाइस ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो हम इसको ओपन करेंगे इसमें अदर फ़ोन में। और देखिए, इसमें ऑलरेडी मेरा आईडी रजिस्टर्ड है, इसीलिए ये ऑलरेडी बता रहा है। नहीं तो हम इसमें यहाँ पे जाकर नहीं, इसमें मेरा आईडी और रजिस्टर नहीं, इसमें बी बी के भाई के नाम से कोई मेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर है। इसका बैटरी 93% है और ये उसका लोकेशन शो करा रहा है। तो चलिए, मैं इसमें अपना मेल आईडी और रजिस्टर करता हूँ। यहाँ से स्विच अकाउंट पर जाइए और यहाँ से कंटिन्यू एज गेस्ट पर जाकर अपना जो मेल आईडी मेरा इसमें रजिस्टर था वो इसमें ओपन करेंगे। जैसा कि मेरा इसमें था ESAYGTRIX, gtrixpk@gmail.com। अब इसमें हम इसका पासवर्ड डालेंगे। जैसा कि मैंने इसमें पासवर्ड डाल दिया है, अब मैं इसको आगे लॉगिन करूँगा। जैसे ही इसमें पासवर्ड डालोगे, ये मेरा मेरे फ़ोन का खुद का लोकेशन बता देगा। देखिए, पीके मोबाइल 87%, और ये देखिए प्रताप नगर लोकेशन शो करा रहा है। तो इस तरीके से हम एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को इजीली ट्रैक कर सकते हैं। बस इसमें दोनों फ़ोनों में फाइंड माई डिवाइस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए और लोकेशन ऑन होना चाहिए, इजीली हम ट्रैक कर सकते हैं। तो ये देखिए, मेरा फ़ोन का बैटरी 87% है, और यहाँ भी देखिए अभी 86 हो गया, वो अब डाउन हो गया। तो हम इजीली एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को ट्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।